स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्ब्रह्मो ज्योतिर्ब्रह्म स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिर्ब्रह्म स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा दीपस्तदेताय नमः शुक्लवदाते नमस्कारं करोमि। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूं जम्मू के पत्नेश्वर पहाड़ पर। आज जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का महामुकाबला होना है जो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर के जो है टीम इंडिया की जीत को लेकर के यहाँ पर लोग कामना कर रहे हैं और यहाँ पर हवन पूजा कराया जा रहा है और यहाँ पर मंत्रों के साथ उद्घोष किया जा रहा है और इंडिया की जीत की कामना को लेकर के जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अनुष्ठान किया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है गुड लक इंडिया। और आइए जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कामना कर रहे हैं, इंडिया की जीत को लेकर के क्या हवन पूजा हो रहा है। आज हवन पूजा किया जा रहा है इंडिया के जीत को लेकर, तो क्या कामना कर रहे हैं आप? हम लोग कामना महादेव के प्रांगण में कर रहे हैं क्योंकि अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, उनके नाम से हम लोग हवन पूजन कर रहे हैं कि हमारा भारत 2023 में विश्व विजेता बने और एक हमारे छठ पूजा के अवसर पे सब लोगों का शुभ कामना है कि भारत जीते। आप लोग जो है आज यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं इंडिया के जीत को लेकर, तो क्या कामना आप लोग कर रहे हैं? आज कामना हम सबों ने किया है कि जिस तरह से 9 मैच टीम भारत ने ऐतिहासिक अंतर से जीत दर्ज किया है, उसी तरह से 10वां मैच भी ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराए और महादेव ने तो कह चुके हैं कि जीत टीम भारत की होगी और ये छठ के मौके पर टीम भारत पूरे 140 करोड़ जनता को बेहतरीन उपहार देने जा रही है जीत के साथ और फाइनल मैच आज जीतेगी। हम लोग इसीलिए आज हम लोग संकल्प किए हैं, आज हम सब उन्हें हवन किया है कि टीम भारत जीते। जम्मू वासियों का आशीर्वाद है, पूरे देशवासियों का भारत टीम भारत के साथ आशीर्वाद है। मैच जो है गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है और ऐसा देखा गया है कि अभी तक वहाँ पर टीम इंडिया 3 मैच खेली हैं और तीनों में जीत दर्ज कराया है, तो क्या इस बार? बिल्कुल, तीनों में अगर जीत दर्ज कराई है तो चौथी भी जीतेगी और ऐतिहासिक अंतर से जीतेगी। ये हम सबों को विश्वास है, पूरे देशवासियों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम भारत और बनाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फाइनल मैच विश्व कप होने जा रहा है, इसमें 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है टीम भारत के साथ और रिकॉर्ड मतों से इस बार हम सबों को उम्मीद है। इसीलिए हम सब आज हवन पूजन, यहाँ के जितने भी क्रिकेट प्रेमी बैठे हुए हैं, 1983 में वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता और 2023 में भी जीतेगी टीम भारत। हम सबों की पूरी तरह से पूर्ण विश्वास है कि रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में टीम भारत इस बार जीत दर्ज करेगी। कहा जाता है कि ये जो पत्नेश्वर पहाड़ है, पत्नेश्वर मंदिर है बाबा, यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगा जाता है भक्त पूरा करता है, तो आज आप लोगों ने मनोकामना मांगा है भोले बाबा से कि टीम इंडिया की विजय हो। नेहरू जी, मैं बताऊँ आपको कि सेमीफाइनल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ था भारत का, तब भी क्रिकेट प्रेमी हम सब मिलकर के सारे युवा साथी यहाँ पे बैठ करके हम सब हवन किया था और महादेव मंदिर जो अपने यहाँ पत्नेश्वर धाम है मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, उस दिन भी हम सबों ने किया था और बहुत बेहतरीन तरीके से 397 रन इंडिया ने बनाया था और न्यूजीलैंड को धराशायी करके फाइनल में आया था। इस लेकर के आज पुनः हम सब बाबा महादेव के दरबार में आए हैं और अपनी हाजिरी लगाए हैं, प्रार्थना किए हैं कि आज भी टीम भारत जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जैसा कि देख सकते हैं ये जमुई के बीजेपी नेता विकास सिंह थे, इसके साथ ही यहाँ पर तमाम जो है जमुई के क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके द्वारा पत्नेश्वर बाबा मंदिर के प्रांगण में जो है हवन किया गया, पूजा किया गया और निश्चित तौर पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगा जाता है इस मंदिर में वो भोले बाबा पूर्ण करते हैं। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।